नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। सोनीपत जिला के गांव नहारी के पहलवान रवि दहिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने पर ग्रामीण और घर पर खुशी का माहौल है। रवि ने कॉमनवेल्थ खेलों में जितनी भी कुश्ती मुकाबले किए वह सब काफी अच्छे तरीके से खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और हरियाणा के साथ सोनीपत का भी नाम रोशन किया है। पहलवान का परिवार भी खुशी से है। खुश है। रवि के पिता राकेश बताते हैं कि रवि ने बचपन से ही कुश्ती में काफी मेहनत करनी शुरू कर दी थी। अब वह हमसे अधिक देश का बेटा बन चुका है, क्योंकि रवि दहिया अब गांव नहारी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मेडल जीतकर नाम रोशन कर रहा है। हर तरह खुशी देखने को मिल रही है। जिस तरह से राकेश जी आपके बेटे ने गोल्ड मेडल जीता है, क्या कहना चाहते हैं? जी, बहुत खुशी का वो है, मौका है और सभी का योगदान है, गाँव का, उनके गुरुओं का, उनके कुत्ता का। अभी बहुत खुशी है, मौका, परमात्मा ने बहुत खुशी दी है। इससे पहले भी मेडल जीते थे? हाँ, इससे पहले जीते थे। सभी का आवाज निकला थी पूरे देशवासियों के, अगर भाई ये पूरे गोल्ड मेडल लिया हुआ तो भी इसमें भी, और अभी कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड ले आएगा, और वहाँ थोड़ी चूक रह गई थी ओलंपिक में, वहाँ रजत पदक आया। जिस तरह से अब आपका बेटा गोल्ड जीत चुका है तो गाँव आने के बाद गाँव स्वागत करेगा, इस तरह गाँव स्वागत करेगा? ये थोड़ा यहाँ पूरे तैयारी में है स्वागत के। अच्छा, वो जब कितनी उम्र में खेलना शुरू किया? ये तो छोटा ही लग गया था, 10-11 साल का ही लग गया था, छोटा ही करने पहलवानी। अच्छा, काफी मेहनत संघर्ष करता? हाँ, बहुत मेहनत करी है, और सबका योगदान था और सबका आशीर्वाद है उनके गुरुओं का, कुछ को।